हे एवरीवन, आप देख रहे हैं वीटेक और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा टेम्परेरी फाइल्स के बारे में जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर होती हैं और क्या उन्हें सेफ होता है डिलीट करना या फिर वो डेंजरस हो सकती हैं डिलीट करना, यानी वो आपके कंप्यूटर को ख़राब कर सकती है, किसी प्रोग्राम को ख़राब कर सकती है जिससे वो ठीक से ना चले। इन सभी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो जब कोई प्रोग्राम आप चलाते हैं यानी आप उसे रन कराते हैं डबल क्लिक करके, आप जैसे उसे डबल क्लिक करते हैं वो प्रोग्राम आपकी हार्ड ड्राइव से उठकर सीधा रैम के ऊपर लोड हो जाता है, यानी जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है कंप्यूटर की, जो विंडो, आप जैसे ही किसी प्रोग्राम को रन करते हैं वो उसे हार्ड ड्राइव में से उठाकर रैम के ऊपर लोड कर देती है। उसके बाद आपका कंप्यूटर उस प्रोग्राम को चला देता है, सीपीयू प्रोसेसिंग करने लगता है और वगैरह वगैरह। पर कई बार क्या होता है, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी होते हैं जब आप उन्हें चलाते हैं तो जब आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको उठाकर रैम के ऊपर लोड करती है तो उसे कुछ स्पेस चाहिए होता है हार्ड ड्राइव के ऊपर जहां वो कुछ राइट कर सके, यानी कुछ वो लिख सके, कुछ अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स का फोल्डर बना सके जिससे वो प्रोग्राम ठीक ठाक चलने लगे, यानी वो प्रोग्राम अच्छे से चल सके। उन फाइल्स को हम बोलते हैं टेम्परेरी फाइल्स, जो वो उस टाइम पर बनाता है जब आप उसे यूज़ करते हैं। वो टेम्परेरी फाइल इसलिए होती है कि जब आप उस प्रोग्राम को आप यूज़ करते हैं तो वो हार्ड ड्राइव के कुछ स्पेस के ऊपर अपनी कुछ फाइल्स को राइट करता है, लिखता है, जिससे वो बिल्कुल ठीक ठाक चल सके। और आप जैसे ही उसे एग्जिट करते हैं, एग्जिट करने से पहले वो उस टेम्परेरी फाइल को जो उसने लिखी थी, जो उसने बनाई थी कि मैं ठीक से चल सकूं, उनको पहले डिलीट करेगा, फिर शटडाउन होगा, यानी फिर खुद ब खुद वो प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो वो होती है टेम्परेरी फाइल्स जो कुछ सॉफ्टवेयर हार्ड ड्राइव के ऊपर बनाते हैं कि वो ठीक से चल सके, वो बार बार क्रैश ना हो। और जब आप उस सॉफ्टवेयर को बंद करते हैं तो वो उस टेम्परेरी फाइल को डिलीट कर देता है कि आपकी हार्ड ड्राइव पर ऐसे करके अगर वो डिलीट नहीं करेगा तो पता नहीं कितनी टेम्परेरी फाइल जमा हो जाएंगी और वो काफ़ी स्पेस भी घेरने लगेगी। इसलिए शटडाउन होने से पहले प्रोग्राम खुद की बनाई गई टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट कर देता है, उसके बाद वो शटडाउन होता है प्रोग्राम। पर कई बार क्या होता है कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, एप्लीकेशन को चलाते हैं, प्रोग्राम को चलाते हैं कंप्यूटर के ऊपर, आप देखते होंगे कि कई बार आपका प्रोग्राम ठीक से रिस्पोंड नहीं करता, वो क्रैश हो जाता है। ऐसे में मान लीजिए अगर उसने टेम्परेरी फाइल बनाई है और अगर वो क्रैश हो गया तो उसे वो मौका नहीं मिलेगा कि वो उस बनाई गई टेम्परेरी फाइल को पहले डिलीट करे फिर एग्जिट हो। वो क्रैश हो गया और क्रैश होने से पहले उसने अपनी टेम्परेरी फाइल को डिलीट नहीं किया, क्योंकि वो क्रैश हुआ है, वो एकदम से अचानक बंद हो गया आपका प्रोग्राम जो आपने चलाया था, इसलिए वो उनको डिलीट नहीं कर सका उन टेम्परेरी फाइल को, और वो आपकी हार्ड ड्राइव पर ऐसी की ऐसी पड़ी रह जाती है। ऐसी पता नहीं कितनी टेम्परेरी फाइल आपकी हार्ड ड्राइव पर पड़ी रहती है, अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बार जाकर चेक कर सकते हैं, काफ़ी स्पेस घेरती है टेम्परेरी फाइल आपकी हार्ड ड्राइव के ऊपर। तो ऐसे मामलों में जब आपका सॉफ्टवेयर ठीक से बंद नहीं होता यानी वो क्रैश हो जाता है अचानक, उसे मौका नहीं मिलता उन टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करने के लिए, इसलिए वो आपकी हार्ड डिस्क पर जमा होती रहती हैं। तो क्या उन टेम्परेरी फाइल को डिलीट करना सेफ है या नहीं, कि अगर आपने उनको डिलीट कर दिया हो सकता है आपका प्रोग्राम ठीक से चले या नहीं, तो मैं कहूँगा हाँ, काफ़ी हद तक आप उन टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। इससे आपके कंप्यूटर को कुछ भी नहीं होगा, ना ही उस प्रोग्राम को जो आप रन करते हैं। इसके लिए विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड क्लीनअप टूल आते हैं। ये विंडोज 7 में भी था, 8 में भी है और अब 10 में भी है। इसके लिए आपको स्टार्ट पर जाना होगा, वहाँ आपको लिखना होगा क्लीनअप टूल, उसके बाद आप यहाँ क्लिक कीजिए, अपनी डायरेक्टरी को सिलेक्ट कीजिए, वो है सी ड्राइव, उसके बाद आप सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद आपको ये यहाँ काफ़ी चीज़ दिखाएगा कि आपकी इंटरनेट वाली टेम्परेरी फाइल्स इतनी GB की है या फिर इतने साइज़ की है, टेम्परेरी फाइल इतने साइज़ की है और जो थंबनेल आपके वेब ब्राउज़र ने बनाए हैं वो इतनी MB के हैं या फिर वो इतने साइज़ के हैं। ऐसा स्कैन करके आपकी विंडो आपको वो टेम्परेरी फाइल दिखा देगी जो विंडो खुद समझती है कि ये बेकार में मेरी हार्ड ड्राइव पर पड़ी है और इनका डिलीट होना ही ठीक है, क्योंकि उससे आपका थोड़ा सा स्पेस फ्री होगा। इसलिए आप इन क्लीनअप टूल की मदद से जो भी ये आपको दिखाएगा टेम्परेरी फाइल्स, आप उन्हें चेक कीजिए इस चेकबॉक्स में और चेक करने के बाद उन्हें डिलीट कर दीजिए। जैसे ही आप उन्हें डिलीट कर देंगे तो आपके कंप्यूटर की सारी टेम्परेरी फाइल डिलीट हो जाएंगी और हार्ड ड्राइव पर कुछ स्पेस थोड़ा सा खाली भी होगा। यानी इन क्लीनअप टूल की मदद से आपका पीसी वो ही टेम्परेरी फाइल दिखाएगा जो इसको लगता है कि ये वेस्ट है, ये बेकार में ही हार्ड ड्राइव पर पड़ी हुई है। तो इन क्लीनअप टूल की मदद से अगर आप किसी टेम्परेरी फाइल को डिलीट करते हैं तो आपके कंप्यूटर में काफी हद तक कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे स्पेस भी काफी ज्यादा फ्री होगा जो ये बेकार की टेम्परेरी फाइल्स उसके ऊपर आ जाती है। अब आप सोचते होंगे कि टेम्परेरी फाइल्स ही तो है, ये कितना स्पेस लेंगी, 400-500, 250-300 KB का या फिर 50-60 MB का,
टेम्परेरी फाइल काफ़ी स्पेस लेती हैं। अगर आपने अभी तक टेम्परेरी फाइल डिलीट नहीं किया है तो हो सकता है वो 8 GB से लेकर 11, 12, 16 GB तक का स्पेस भी ले लेती हैं टेम्परेरी फाइल्स, या फिर उससे भी ज़्यादा। और आपको पता नहीं लगता कि मेरी हार्ड ड्राइव में ऐसा क्या भरा है जो ये इतना स्पेस इसमें बेकार का वेस्ट है, आपको नहीं पता लगता, वो टेम्परेरी फाइल्स ही होती हैं। अगर आप उन्हें जाकर चेक करेंगे इस क्लीनअप टूल से तो आपको बता देगा आपके कंप्यूटर में कितनी KB की या फिर MB की या फिर GB तक की टेम्परेरी फाइल वैसे ही पड़ी हुई है। तो ये थी आज की वीडियो कि क्या होते हैं टेम्परेरी फाइल, क्या इन्हें डिलीट करना सेफ होता है या नहीं। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को किसी के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि मैं इस पर ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। मिलते हमारी अगली वीडियो में।